टर्बो चार्जिंग एंड सुपर चार्जिंग दोनों ही जो है फोर्स्ड इंडक्शन का तरीका है जिससे आप इंजन की पावर और एफिशिएंसी जो है बढ़ाते हो। बट क्या आपको मालूम है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता है नहीं पता है? मेरा नाम है सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केच बिल्ड राइड, ये है मोटोटॉक सीरीज पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावर वन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जो है ये सीरीज है पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावर वन, जहाँ पे जो है मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ी थोड़ी मिक्स करते हुए ऐसे टॉपिक्स समझाता हूँ। सो वेल, एक महीने के ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे जो भी सुपर चार्जर्स पे थी कमेंट करके मुझसे ये कहा था कि भाई टर्बो चार्जर्स वर्सेस सुपर चार्जर्स पे वीडियो बनाओ, तो हम आ गए हैं, हम बनाने वाले हैं वीडियो आज टर्बो चार्जर्स वर्सेस सुपर चार्जर्स पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन टर्बो चार्जर्स वर्सेस सुपर चार्जर्स। एक ज़माना था जब टर्बो चार्जर्स को भी जो है सुपर टर्बो चार्जर्स बोला जाता था बेसिकली, या टर्बो सुपर चार्जर्स बोला जाता था। एंड उसका रीज़न ये था कि बेसिकली सब कुछ ही जो है एक ही कैटेगरी में आता था, फोर्स्ड इंडक्शन जो है बेसिकली कैटेगरी में आता था ना। फोर्स्ड इंडक्शन क्या होता है? ज़बरदस्ती कंप्रेस्ड गैस जो है, आप एयर जो है अगर इंजन में ठूस रहे हो, भर रहे हो, उसको फोर्स्ड इंडक्शन बोलते हैं। जिससे बिकॉज द एयर इज़ गेटिंग लाइक बेसिकली द इंजन इज़ गेटिंग मोर एयर, हवा ज़्यादा मिल रही है इंजन को, तो फ्यूल भी ज़्यादा खींचेगा एंड उससे जो है आप बेसिकली जो है ज़्यादा पावर एक इंजन से निकाल पाओगे। दैट इज़ हाउ फोर्स्ड इंडक्शन वर्क्स। एंड इसके जो है ये दो तरीके हैं, एक है आपका टर्बो चार्जिंग एंड दूसरा है आपका सुपर चार्जिंग। नाउ दोनों ही जो है गाड़ियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाइक्स में यूज़ नहीं होते। अगर आप मेरे पीछे देखो यहाँ पे, सो ये है कावासाकी की H2R एंड इस मोटरसाइकिल में सुपर चार्जर लगा हुआ है। यस, एक मोटरसाइकिल में सुपर चार्जर लगा हुआ है। एंड अगर आपने इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो जो है आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो, जहां पे एक सुपर चार्जर कैसे काम करता है डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में हम टर्बो चार्जर के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात करेंगे। अब टर्बो चार्जर वेल मोटरसाइकिल्स में भी यूज़ होता है, गाड़ियों में भी यूज़ होता है। मोटरसाइकिल्स में जो है प्रोडक्शन बाइक में किसी में नहीं आता है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो, स्पेशली हालीज में लगा सकते हो। मैं अपनी खुद की बाइक में भी सोच रहा था कि एक टाइम पे टर्बो चार्जर लगवाया जाए क्या, लगवाया जाए तो कमेंट करके मुझे बता दो। सो वेल, काम कैसे करता है? वेल, दोनों का जो तरीका है काम करने का वो थोड़ा सेम भी है, थोड़ा अलग भी है, दोनों जरा बात कर लेते हैं। सुपर चार्जर जो है वो बेसिकली इंजन से अलग जो है एक यूनिट होती है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख चुके हो, जो हुड कार्ट के ऊपर एक पैनल जो है निकला हुआ होता है, पार्ट निकला हुआ होता है, जिसमें से बेसिकली वेंट्स होते हैं, बटरफ्लाई वॉल्स बोलते हैं उनको, वो एक सुपर चार्जर होता है। सुपर चार्जर बेसिकली क्या करता है? वेल, वो जो है इंजन से ही जो है चलता है, मैकेनिकली कनेक्टेड होता है, यूजुअली एक बेल्ट से या पुली से किसी भी चीज़ से उसको कनेक्ट करते हैं। जब इंजन घूमता है तभी एक सुपर चार्जर घूमता है एंड वो हवा अंदर खींचता है, उसका जो है बाकी कोई तरीका नहीं है। इट्स बेसिकली मैकेनिकली ड्रिवन बाय द इंजन, राइट? एंड उस वजह से इंजन पे भी जो है थोड़ा सा लोड पड़ता है, बिकॉज इंजन को सिर्फ खुद को नहीं चलाना है, सुपर चार्जर को भी चलाना है, जिस वजह से जो नेट गेन होता है, नेट गेन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल एक सुपर चार्जर को चलाने के लिए भी जो है इंजन को एक्स्ट्रा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करनी पड़ती है, सो दैट वो जो सुपर चार्जर है वो भी रन कर सके। सो अगर आप फॉर एग्जांपल 400 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो एंड उसमें से 150 जो है सुपर चार्जर चलाने में ही चली जाती है, सो आपको जो नेट गेन है वो अराउंड 250 हॉर्स पावर ही आता है बेसिकली, लाइक सिंपल जो है मैथ्स है ये। तो टर्बो चार्जर में ऐसा नहीं होता है, टर्बो चार्जर जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है, इंजन से उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एग्जॉस्ट गैसेस से लेना देना होता है। कैसे होता है? तो वेल, बेसिकली काम कैसे करता है ये टर्बो चार्जर जो होता है, उसमें बेसिकली दोनों तरफ जो है एक तरफ टर्बाइन वाला सेक्शन होता है, एक तरफ कंप्रेसर वाला सेक्शन होता है। बेसिकली जो आप सुपर चार्जर में देखते हो वो व्हील जैसा जो घूम रहा होता है, चक्का, सेम चीज जो है यहां पे भी, इसमें दो चक्के होते हैं बेसिकली। एक तरफ जो है आपका जो है टर्बाइन सेक्शन होता है, एक तरफ जो है आपका कंप्रेशन वाला जो है सेक्शन होता है। एंड काम कैसे करता है? वेल, आपकी जो एग्जॉस्ट की गैसेस होती है उसी को आप राउट करते हो टर्बाइन सेक्शन में, एंड जब वो टर्बाइन घूमती है उस हॉट गैसेस से, उन हवाओं से, इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्रेसर वाला जो है सेक्शन होता है उससे, एक ही बेसिकली मॉड्यूल के अंदर, एक ही जो है टर्बो चार्जर के अंदर दोनों तरफ जो है बेसिकली ये लगे होते हैं। एंड जब टर्बाइन घूमती है तो जाहिर सी बात है वो कंप्रेशन व्हील भी घूमेगा, जब कंप्रेशन व्हील घूमता है
वो हवा खींचता है अंदर जो कि कंप्रेस होती है और इंजन को जो है फीड की जाती है। सो वेल, जो मेन डिफरेंस दोनों में आता है वहाँ पे वो ये आता है कि एक जो सुपर चार्जर है वो मैकेनिकली ड्राइव होता है इंजन से, और जो टर्बो चार्जर है वो बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस से जो है काम करता है। उसमें इंजन का जो है कोई वैसे लेना देना नहीं है, इंजन से जो है वो लोड नहीं लेता है बेसिकली, राइट। सो जाहिर सी बात है कि अगर आप टर्बो चार्जर यूज़ कर रहे हो जो इंजन से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर इंजन पर लोड कम पड़ेगा, राइट, बिकॉज इंजन को सिर्फ इंजन ही चलाना है इन केस। बट सुपर चार्जर के केस में एक जो आपका इंजन है उसे खुद को भी चलाना है एंड सुपर चार्जर को भी रन करना है जो कि एक बेल्ट से कनेक्टेड होगा। सो ये आ गया आपका एडवांटेज पहला टर्बो चार्जर का कि बॉस इंजन पे लोड नहीं डालता है, राइट। और क्या एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं टर्बो चार्जर का? जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सो कॉल्ड बोला जाता है वो बोलते हैं टर्बो लैग या फिर टर्बो स्पूलिंग, जो बेसिकली जो टाइम लेता है टर्बो फॉर इट टू किक इन, राइट, उसको स्पूलिंग बोलते हैं बेसिकली, जब वो प्रिपेयर कर रहा होता है, राइट, जो कि बेसिकली होता ही है कि जब तक गैसेस उस तक पहुंचती नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पीड तक जो है वो टर्बाइन व्हील नहीं घूमता है, तब तक टर्बो नहीं घूमेगा बेसिकली, जो कंप्रेसर वाला साइड है हवा इंजन तक नहीं पहुंचेगी, उस टाइम पीरियड को लैग बोलते हैं, टर्बो लैग बोलते हैं। सुपर चार्जर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, नेचुरली वो इंजन से ही चलता है एंड बिकॉज हवा खींचता है सो देर इज नो लैग देयर। टर्बो चार्जर्स में सैडली देर इज इट लैग, राइट, वो जो लैग आता है उसको काउंटर करने के लिए आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है कनेक्ट कर देते हैं जिसको आप बेसिकली ई टर्बो भी कह सकते हो, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कह सकते हो इसको, एंड वो जो है बेसिकली क्या करता है, वो टर्बाइन को ऐसे ही घुमा देता है विदाउट द एग्जॉस्ट गैसेज कमिंग इन, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका कंप्रेसर व्हील घूमता है एंड हवा इंजन तक पहुंचती है, यू गेट मोर पावर, मोर एफिशिएंसी, राइट। सो वेल, तरीके हैं दोनों इधर उधर। ऑल्सो टर्बो चार्जर्स आर कंपेरेटिवली मच लाइटर, राइट, मतलब छोटा सा यूनिट होता है, सुपर चार्जर बहुत बड़ा होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक GT 500 मस्टैंग का सुपर चार्जर देखते हो, वो ऑलमोस्ट 2500 का तो जो है CC का सिर्फ उसका एक सुपर चार्जर का जो है यूनिट है वही है, राइट, जो कि मोस्टली लाइक एक इंजन से बड़ा है बहुत सी गाड़ियों के। सो जगह भी बहुत लेता है, वेट भी बहुत होता है, वेरियस टर्बो चार्जर में ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव कार्स विच हैव डबल बेसिकली टर्बोज, कुछ कुछ में चार चार टर्बोज भी होते हैं, दो छोटे टर्बो दो बड़े टर्बो। सो वेल, आप अलग अलग कॉन्फिग्रेशन में अलग अलग स्पीड्स पे उनको यूज़ करके बहुत ज़्यादा आउटपुट एक इंजन से निकाल सकते हो। टर्बो चार्जर सुपर चार्जर्स मैंने आपको दोनों बता दिए, एडवांटेजेस भी बता दिए, डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। एंड मोटरसाइकिल्स में जो है बेसिकली अगर मैं बताऊं, गाड़ियों से अगर हम बाइक्स पे आते हैं तो कावासाकी H2 एंड H2R तो ओनली प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स जिनमें सुपर चार्जर्स लगे हुए आते हैं। टर्बो के केस में कोई प्रोडक्शन बाइक नहीं जिसमें टर्बो लगा हुआ आता है, बट यू गेट किट्स जो कि आप लगा सकते हो मोटरसाइकिल्स में। मेरी हाल ही में मैं सोच रहा था एंड काफ़ी लोग हैं इंडिया में, आई डोंट थिंक कोई भी बाइक है जिस पर टर्बो लगा हुआ है, या शायद एक हाल ही है जिस पर लगा हुआ है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो। तो वेल, ये था एक छोटा सा प्यारा सा क्विक सा वीडियो ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन अ टर्बो चार्जर एंड अ सुपर चार्जर, कैसे काम करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एंड ये थी एक छोटी सी प्यारी सी मोटर टॉक वीडियो। सो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो डाउन एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। 20,000 सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस कर चुके हैं, एंड अगर सब्सक्राइब करोगे तो प्लीज़ वो बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट जब मैं एक वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो मंडे को मोटोटॉक वीडियो हो या मेरी नॉर्मल राइड वीडियो, से अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल्स मैं आपको दिखाता हूँ, मोस्टली हाई एंड बड़ी मोटरसाइकिल्स दिखाता हूँ, सो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि हाँ सनी भाई ने वीडियो डाल दी है। सो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी कॉमेंट करके मुझे बता दो कि वीडियो कैसी लगी, एंड अच्छी नहीं भी लगी तो भी मुझे बता दो, आई लव योर फीडबैक। मैं इस फीडबैक को जो है काफी अच्छे से यूज करता हूं अपने चैनल में। पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट किया था टर्बो चार्जर्स वर्सेस सुपर चार्जर्स, इसलिए ये वीडियो बनाई, राइट। सो आई लिसन टू योर फीडबैक, कमेंट करो मुझे बताओ अपना फीडबैक, वीडियो कैसी लगी, एंड मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चाओ।